कि इन दिनों में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, आले शरीफ के जो दरबारी हैं वो आकर और मुल्क के सामने, अवाम के सामने जो झूठों का पलंदा, जिस एतमाद, जिस ढिटाई, जिस झूठ के साथ वो बातें करते हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि इनको टीवी पे आना ही नहीं चाहिए कि लोगों की इनकी शक्लें भूल जाएं। और ये जिस तरह से आके और एक ऐसी बयानिया देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऐसी बातें करके अपनी गुनाहों पे ये पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आज अवाम के मफाद के ठेकेदार, जो के अपनी एक ऐसी हुकूमतें चला चुके हैं जिसमें कि उन्होंने अवाम दुश्मनी के अलावा कोई काम नहीं किया, इन्होंने लोगों की जेबें काटी हैं, इन्होंने इसके अलावा कोई काम किया नहीं है मुल्क के लिए। और उसका सबूत ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि जब इन्होंने इक्तदार छोड़ा या अवाम ने जब इनको निकाला, तो उस वक्त इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। जो आज ये महंगाई की बात करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहानी शुरू कहां से हुई। जब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो इन्होंने इस बात को यकीनी बना दिया था कि हम ऐसी बारूदी सुरंगें छोड़ जाएं जिससे कि कदम कदम पे इनको नुकसान पहुंच सके, क्योंकि इक्तदार को तो ये अपना खानदानी हक समझते हैं। जब हम आए तो उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन थी वो 6 हफ्ते से ज्यादा की नहीं थी, उससे भी कम थी। उस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि जो बरामदात और दरामदात का जो फर्क था, वो 20 अरब डॉलर से ज्यादा का था। मानी कि मुल्क को डॉलर चाहिए थे चीजों इंपोर्ट करने के लिए, जो कि हमारे पास थे ही नहीं। उसके अलावा जो कर्जा था 30 खरब रुपए का, उसके सूद के लिए सिर्फ 2.9 बजट में रखे गए, उस सूद को अदा करने के लिए, यानी 2.9 खरब सूद को पे करने के लिए, असल की बात ही नहीं हो रही है। उसके अलावा जो डॉलर था उसको इन्होंने एक मस्नूई सतह पे रखा हुआ था। इसहाक डार, ये वही इसहाक डार है जिनको शायद खाकान अब्बासी अपने जहाज में छुपाकर और फरार करार दिया था। ये वही इसहाक डार हैं जिन्होंने डॉलर को एक मस्नूई सतह पे रखने के लिए 23 अरब डॉलर स्टेट बैंक के खर्च किए। और 23 अरब डॉलर, ये जब आप करेंसी को मस्नूई तौर पे रखना चाहते हैं तो होता क्या है कि जब भी आप उसको वो करते हैं तो स्टेट बैंक डॉलर देता है मार्केट में कि उसका रेट, यानी उसकी सप्लाई को वो बनाता है, अवेलेबल करता है। तो जब डॉलर को इस मस्नूई सतह पे रखा था तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि इंपोर्ट्स तो एक्सपोर्ट्स तो ये बढ़ा नहीं सके, यानी इनकी जो 5 साल के दौर में अपने आप को ये कारोबारी कहते हैं, अपने आप को इस मुल्क का खैरख्वाह कहते हैं, इन्होंने $1 की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। और ये सब्जेक्ट मैं इसलिए अच्छा जानता हूँ कि मैं उस वक्त इनके दौर हुकूमत में कॉमर्स का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। इन्होंने जानबूझकर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट, जबकि वो महंगी, जब डॉलर का रेट महंगा होता है
तो ज़ाहिर है आपका जो बैरून मुल्क में आप कम्पीट कर नहीं सकते हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं। और इम्पोर्ट्स का फ़ायदा क्या होता है कि जो चीज़ आप बाहर से मंगवाते हैं वो आपको सस्ती पड़ती है बनिस्बत इसके कि आप उसको यहीं पे प्रोड्यूस करें। उसका नतीजा क्या, उसका नतीजा ये कि हम जो भी चीज़ यहाँ पे नहीं बनाते थे उसके लिए कोई साजगार माहौल ही नहीं था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, यानी कि इस मुल्क में सनतें बननी ख़त्म हो गई, लोगों ने और जगहों पे अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर दी मुल्क से। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इंडस्ट्री तबाह हो गई, मुल्क में नए कारखाने लगे नहीं, जिसकी वजह से जो रोज़गार की फरहमी है, जो फॉरेन एक्सचेंज की बचत है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस वजह से मुतासर हुई। उसके बाद जब हम आए तो उस वक्त जो ये सूरत हाल मैंने आपके सामने बयान कर दी, ये मोटी मोटी बातें हैं। उसके बाद जब हम आए तो हमारे चैलेंजेस क्या थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चैलेंजेस क्या थे? नंबर वन कि किधर से हम डॉलर्स ला सकें कि हम अपने कर्ज़ों को भी अदा कर सकें और अपनी इम्पोर्ट्स, जो कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़ाहिर है कि जिसका सबसे बड़ा बिल ऑयल का है, दूसरा पाम ऑयल का है, तीसरा दालें हैं, दालों को आप कम ना समझें, ये भी कोई 800 मिलियन डॉलर की इम्पोर्ट करते थे हम। तो ये जो पाम ऑयल है और ये जो दालें हैं, ये तो आम रोज़ा ज़िंदगी में जिसमें कि घी भी बनता है जिससे भी, तो ये चीज़ें महंगी होती हैं, दालें महंगी होती हैं इस वजह से कि आप ये इम्पोर्ट करते हैं। तो हमने एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स उनको बढ़ाना शुरू किया, जो कि अब अल्लाह ताला के फजल से 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, 12 अरब अपने हमारे रिज़र्व्स हैं, 7 अरब बैंक्स के, तो 19 अरब डॉलर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। एक्सचेंज रेट को हमने इसलिए डिवैल्यू किया क्योंकि हमारे पास डॉलर थे ही नहीं कि हम मार्केट में इंटरवीन करके और उसको आर्टिफिशियली मस्नूई तरीके से उस रेट को हम बरकरार रख सकते। अगर होते भी तो ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को मुतासर कर रहे हैं महंगा डॉलर को रख के। उसके बाद जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो डॉलर्स हमने पे करने हैं और जो हमारे पास हैं, उसको उस वक्त 20 अरब डॉलर का खसारा था, उसको हम बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके, प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ाना उस पर काम करते थे अपनी मुआशी टीम के साथ, और उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी सतह पे ले आए हैं कि जो 20 अरब डॉलर का जो डेफिसिट था, यानी कि जो हम पे जो हमने देने थे मनफी में था, उसको हम अभी मुस्बत टेरिटरी में ले आए हैं, 8 करोड़ डॉलर के पॉजिटिव उसमें ले आए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें 20 अरब डॉलर का खसारा, उसको हम ले आए हैं पॉजिटिव में, मुस्बत अमाउंट पे, जो कि 8 करोड़ डॉलर है। उसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारे रिमिटेंसेस बढ़ी, बिकॉज हमने, जब पाकिस्तानी अवाम भी समझते हैं कि वहाँ पे एक ईमानदार, एक मुहिब वतन लीडर की हुकूमत है, तो जो हमारे बाहर के लोग हैं उन्होंने भी हमारी जो तरसीलात हैं उनमें इजाफा किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़र्व्स भी उसमें हैं, एक कंफर्टेबल जोन में हैं। और उसके अलावा जो हमारी वो हैं एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। और अभी अभी आपको पता चला होगा कि जो टैक्सेस हैं वो भी हमने 1 खरब इस टारगेट, इस क्वार्टर में हमने
इकट्ठे किए हैं, जो कि एक बहुत ही अपने टारगेट से ज़्यादा, जो टारगेट था उससे ज़्यादा हमने टैक्सेस रिकवर किए हैं। ये तो हो गई जो बुनियादी जो फिगर्स होती हैं आपके इकोनॉमी की, जिसकी बुनियाद पे आपका मुल्क आगे चलता है। उसके बाद ये जो महंगाई की वजूहात हैं, मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, जिसमें एक और बड़ा पेट्रोल की कीमत है, वो तो ज़ाहिर है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आलमी कीमतें जो होती हैं उसी पे ही हमें तेल को बेचना होता है, फराहम करना होता है। लेकिन जो बिजली और गैस है, इस पे मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ। बिजली क्यों महंगी है, बिजली क्यों महंगी हो रही है, उसकी बुनियादी वजह वो मुआहदे हैं जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत बिलखसूस, पिछली हुकूमत है लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत बिलखसूस, उन्होंने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उन्होंने जनरेशन पे यानी पैदावार पे जोर लगाया। वो इसलिए कि जो पैदावार होती है वो आप साल दो साल तीन साल में जो है आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साथ सौतेली माँ का सलूक किया, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें के आपके पास इतनी कमीशन्स बनाने के चांसेस नहीं होते हैं। आपने इस मुल्क की उसको डिपेंडेंट रखा तेल पे और महंगे फ्यूल्स के साथ, जिसमें के एलएनजी भी शामिल है। आपने ये एग्रीमेंट्स इस तरीके से किए कि वो लोग या वो हुकूमत जब बिजली पैदा करती है तो उसको, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स वो होती हैं जो आप अगर बिजली खरीदें, इस्तेमाल करें या ना करें, आपको वो पैसे देने होंगे, और वो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा के जो उस पर सूद, जो कि सर्कुलर डेट की सूरत में आ गया है, उस पर जो सूद आप अदा करते हैं, और वो बिजली जो कि आप चाहे इस्तेमाल करें ना करें, आपको वो जो पैदावारी कंपनियां हैं उनको आपको देना पड़ता है। इन्होंने न ट्रांसमिशन पे तवज्जो दी, यानी तरसील पे भी तवज्जो नहीं दी, और तकसीमकार कंपनियों पे भी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जो TND लॉसेज हैं वो भी हाई थे। तो बुनियादी जो वजह है बिजली की कीमत में इजाफे की, वो यही है कि हमने अपने आप को ऐसे मायदों में बांधा जिससे कि हमने पूरी कौम के मुस्तकबिल को गिरवी रख दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुसलसल कोशिश में हैं, और ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने इस इशू को उठाया और जितनी भी पैदावारी कंपनियां हैं उनके साथ गुफ्तगुशुनीद की, उनके साथ उनको इस बात पे रजामंद किया कि ये जो इस वक्त जो के मुआहदे किए गए हैं उसमें कोई जीत ही नहीं सकता। जाहिर है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम पैसे दे नहीं सकेंगे जो तकसीमकार जो पैदावारी कंपनियां हैं, तो उससे बेहतर यही है कि कोई एक ऐसा सलूशन निकाला जाए जिससे कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हो गई या जो RLNG की मस्ट रन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें के अगेन यही है कि जो RLNG खरीदी वो भी इस कंडीशन में कि 66% आपको ये गैस इस्तेमाल करनी होगी चाहे आपको ज़रूरत हो कि ना हो। तो आप सोचें कि ये किसी मुहिब्बे वतन ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, कोई ऐसे मुआहदे कर सकता है? अपने लिए तो ये बड़े ज़बरदस्त मुआहदे करते हैं, अपने लिए तो ये हर किस्म के इनके जो कारोबार हैं अक्सर इनमें से ऐसे हैं कि साइकिलों पे आए थे और आज जो है तो अरबपति हो गए हैं। वो किस वजह से हुए हैं? वो इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने आपके अवाम के मफादात पे डाका डाला, उन्होंने अवाम के मफादात पे बिल्कुल कोई दिल पे हाथ नहीं रखा। उनको एक ये भी एक बीमारी है
पैसे जमा करना भी एक बीमारी है, वरना आप कई देख ले लें, अरबपति हैं खरबपति हैं, लेकिन उनको जो पैसे की हवस है वो आप और मुझसे ज़्यादा होगी। तो इस बीमारी से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है उसने अपने आप को अपनी दौलत को बढ़ावा दिया और मुल्क को गरीब से गरीब तर किया, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में जो भी मसाइल हैं वो इसी के मरहूने मिन्नत हैं। गैस पे आ जाइए तो गैस इन्होंने जो वायदा किया RLNG का, शाहिद खान अब्बासी साहब जो सुकरात हैं इकोनॉमी भी के और हर मौजू के, उन्होंने अपनी एयरलाइन तो बड़ी अच्छी चला ली लेकिन PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने ये वायदा करके हमें एक और मुसीबत में डाल दिया, यानी महंगी तरीन RLNG खरीद कर उस वक्त की जो कीमतें थीं, ऐसे पाकिस्तान को 15 साल के लिए ऐसे बांध दिया कि हम हिलना भी चाहें तो हम नहीं हिल सकते हैं। अब हम इन वायदों से निकल नहीं सकते बिकॉज इसमें कई हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन कसूर उनका नहीं है, कसूर तो हमारा अपना है, वो उनका है जो कि आज आके अवाम के हमदर्द बन रहे हैं, जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और अवाम को ये तासर देना चाहते हैं कि उनके साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है। ये वही हुकूमत है नून की जिसने के जो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स थे, अभी हमारी कोई 4 रोज पहले मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई थी कि हम किस तरह से अपने मुल्क के जो हमारे जो रिजर्व्स हैं जिसमें खास तौर पे गैस, उनको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि आपका जो अपनी मुल्क से जो गैस एक्सप्लोर होगी उससे आपका तो जो ज़र मुबादला है वो भी बचेगा और जो हमारी सप्लाई होगी वो भी सिक्योर होगी। लेकिन इन्होंने ये जानबूझ कर नहीं किया बिकॉज जो चीज़ भी इम्पोर्ट होती थी जहाँ पे के मुआहदे होते थे वहाँ पे इनके लिए कमीशन्स बनते थे। ये जो आज हम ये जो इसमें जो गैस और बिजली की जो कीमतें हैं जो हम पे कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे उन कमीशन्स को हम पे कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे इन्होंने हमें महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें बांध दिया। और आज जो है तो ये कहते हैं कि जी बिजली महंगी हो गई है और गैस महंगी हो गई है। इसके अलावा जो मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको हमने अल्लाह ताला के फजल से बड़े ही, बावजूद इसके कि कोविड हुआ, इनका ख्याल था कि जी कोविड में तो ये गए या खुदा ना खास्ता लोग मरेंगे या खुदा ना खास्ता इकोनॉमी बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन चूंकि लीडर की नीयत ठीक थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नीयत ठीक थी, तो अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में से भी बड़े अच्छे तरीके से, गो के वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जब आप अपने हमसाए मुल्कों को या और मुल्कों को, यूरोप को, अमेरिका को और मुल्कों को देखते हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी है हमारी हुकूमत की कि हमने एक ऐसे वबा को जिसको के कभी तजुर्बा ही नहीं था किसी भी हुकूमत का बल्कि दुनिया में, उसको हमने एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से NCOC बनाकर और साइंसी बुनियादों पर हमने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी। बावजूद इसके ये पहली दफ़ा है कि जो हमारा जो बजट का खसारा है, यानी वो जो हमारे अखराजात हैं जो हमने पैसे कमाने हैं यानी कि टैक्सेस की सूरत में, उनमें एक बराबरी आ गई है। एक बराबरी क्या, बल्कि हम पॉजिटिव उसमें हैं, यानी कि अगर हम सूद न दें जो कर्जे लिए इन्होंने, इनकी हुकूमतों ने, तो हमारे पास हमारी जो आमदन और जो अखराजात हैं वो बिल्कुल बैलेंस हुए हैं। और ये किस तरह से हुए हैं, बिकॉज हमारी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी ज़ात से शुरू किया कि हम एक ऐसे गरीब मुल्क बना दिए गए हैं जिसमें कि या तो ये है कि हमें अपनी आमदनी बढ़ानी होगी और या हमें अपने अखराजात कम करने होंगे। तो जैसे किसी भी घर में होता है जब आपके एक ऐसी उफ्ताद आ पड़े और जिसमें कि आपके खर्चे
और उसमें आमदन में बहुत ज़्यादा फर्क हो, तो फिर आप या तो अपनी खर्चों को कम करते हैं और आमदन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमने किया कि अपने अखराजात को, वो जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी थी नवाज शरीफ की, जबकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में 500 से ज़्यादा अफराद थे जिसमें कि किचन ऐसे चल रहे थे जैसे कि मुग़ल बादशाहों के ज़माने में चलते थे, उन सब को नीचे किया, कम किया, अपनी कैबिनेट पे, मिनिस्टर्स पे एक ऐसा ज़ाबता अखलाक मुरतब किया कि जिससे कि ये लगे कि अगर अवाम मुश्किल में है तो हम भी कोई अयाशी नहीं कर रहे, जो हुकूमत है वो भी अयाशी नहीं कर रही और अखराजात में कमी लाने की कोशिश कर रही है और अपनी आमदन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद इन्होंने बात की सीपैक की, तो सीपैक आप जानते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा मुआहदा है जो कि पाकिस्तान और चीन की जो लाजवाल दोस्ती है उसका मज़हर है, और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हमारी हुकूमत पहले से ज़्यादा पुरअज़्म भी है और हमारी कोशिश यही है कि ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द कंप्लीट हों, और चाहे वो कानून साजी हो या जो भी और मेजर्स लेने होते हैं वो हम लें, और चीन की हुकूमत भी और चीन के सफ़ीर भी जो कि यहाँ से गए उन्होंने भी खराज तहसीन पेश किया हमारी हुकूमत को कि किस तरह से हम सीपैक को लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये इस किस्म की बातें करना किसी अपोजिशन पार्टी को जेब नहीं देता, बिकॉज ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुल्कों के दरमियान है, इसमें हमारी चीन के साथ जो एक लाजवाल दोस्ती है उस पर उसको ये कमज़ोर करना चाहते हैं। कोई भी अपोजिशन ऐसी बातें नहीं करती है जिससे कि मुल्क को नुकसान हो या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिससे कि मुल्क की भलाई हो उसको वो नुकसान पहुँचाएँ। उसके बाद इन्होंने बात की कि नैब हमारे पीछे पड़ी हुई है। भाई नैब अगर आपके पीछे पड़ी हुई है तो उसकी वजह होगी जो करप्शन का बाजार आपने गर्म किया था अपनी दौरान हुकूमत में, जिसमें कि आप अपने लिए खास तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशन की रिलैक्सेशन हासिल करके अपनी इंडस्ट्री को, इत्तेफाक इंडस्ट्री को, आप एहतसाब उर्रहमान की रेडको कंपनी को गाड़ियां मंगवा के और फिर दूसरे दिन वो जो SRO होता था वो कैंसिल कर दिया जाता था, तो आपने इस मुल्क को तो अपनी जाती जागीर समझा हुआ था, आवाम को तो आपने कुछ कभी खातर में लाए ही नहीं, आपने तो ऐसी मिसमैनेजमेंट की। एक बिकॉज आप जो है ना, एक तो होती है मिसमैनेजमेंट, एक होती है ऐसी सिचुएशन जिसमें के हुकूमत जो के सपोजिटली अवाम के वोटों पे आई होती है वही अवाम के दुश्मन बन जाए। इन्होंने यही काम किए, इन्होंने हर तरह के फायदे उठाए जाती मफाद के लिए, अपने जाती कारोबारों के लिए, इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा करप्शन का। ये एक करप्ट लोग थे जिनको आम ने रिजेक्ट किया, और आज इनकी ये तौफीक है, ये इनकी ऑडेसिटी है, ये इनका एतमाद है कि ये बावजूद इसके के चोरी के मुलजमान हैं, ये इन पे सारों पे मुकदमे बने हुए हैं, इन पे कोई जमानतों पे है, कोई जेल के अंदर है, और ये आके भाषण देते हैं अवाम को कि जी महंगाई हो गई है। भाई वजह तो आप ही हैं, आप ही की जो करतूत थे जो कि आप इस वक्त सियासत के पीछे छुपकर और आप अपनी उस दौलत को जो कि आपने चोरी के जरिए हासिल की उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप अगर इतने अवाम के हमदर्द हैं तो लाएं ना, आप अपनी औलादों को लाएं जो कि बाहर बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ अपनी जो ये महंगे तरीन अरबों के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं,
और बड़ी उससे तकरीर भी कर रहे हैं, हालांकि यहां पे झांसा देकर वो मुल्क से फरार हो गए। आज जो है तो वो उनकी जो जो उनके जो दरबारी हैं वो आके हमें भाषण देते हैं, बेचे ना वो अपनी वो जायदादें, अगर आपको पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है लाएं वो इसको इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान को जरूरत है, लाएं वो अपनी औलाद को, अगर उनकी औलाद का मुस्तकबिल महफूज है तो पाकिस्तान के अवाम का क्या होगा, उन्होंने भी अपना मुस्तकबिल महफूज करनी है। उनके मुस्तकबिल को आपने गिरवी कर दिया और अपनी औलादों को और अपने आप को उधर आपने अरबों खरबों की जायदादें बना ली, आपको क्या फर्क पड़ता है? अवाम भूखे मर रहे हों आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वहां पे बड़े खुशहाल बैठे हुए हैं, अब तो आप नजरियाती भी बन गए हैं, अब तो आप चाहते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसी बेयकीनी फैले जिससे कि जो भी हुकूमत इकदाम ले रही है, जो कि एक मुआशी ठहराव ले आई है और हम मजीद बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना उनका कोई मुस्तकबिल सियासी मुस्तकबिल है, ना उनका जो है मुआशी मुस्तकबिल है, इनको खून लग चुका है। ये इक्तदार के बाहर जब बैठते हैं तो ये इस वक्त बिल्कुल ऐसी बेचैन हो जाते हैं कि ये दोबारा वापस इक्तदार में आना चाहते हैं, और इस्तेमाल किसको करते हैं? अवाम को इस्तेमाल करते हैं। आपने देख लिया होगा कि ये जो अभी ओपोजिशन का जो एक इकट्ठ हो रहा है, इसमें आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इस बयानिए को जो कि नवाज शरीफ ने दिया है उसको सपोर्ट करती हैं, उनमें तो ऑलरेडी फूट पड़ चुकी है। ये इस्तीफा देने की बात करते हैं, हमने कहा इस्तीफा दें आप, हम इलेक्शन कराएंगे। ये सारा जो शोर होगा है ये बुनियादी तौर पे इस वजह से है कि ये चाहते हैं कि इनके केसेस के खिलाफ इनको कोई NRO दे दिया जाए। जब इन्होंने देखा आखिरी पत्ता इनका FATF था, जब वो भी कामयाब नहीं हो सका तो फिर ये APC मारज़े वजूद में आई। ऐसा होने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो कि आप उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो उतना ही मजबूत होता है। वो एक नडर इंसान है, एक नडर लीडर है जो कि इनकी किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनको किसी किस्म की रियायत देगी, क्योंकि हम समझते हैं कि अवाम ने अगर हमें चुना है वो इसी बुनियाद पे चुना है कि हमने उनसे वादा किया था कि हम जो इस मुल्क को कंगाल करके चले गए हैं, जो लूट कर चले गए हैं, उनको हम कटहरे में लाएंगे, उनको हम जेलों में डालेंगे, सियासी बुनियाद पे नहीं। अब फर्क यही है कि एक शख्स जो कि कन्विक्ट हुआ हुआ हो क्रिमिनल चार्जेस पे, ये कोई सियासी मुखालिफत के तहत नहीं था कि ये जेल में गए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या चाहे वो नवाज शरीफ हो। शहबाज शरीफ अंदर है तो वो TTO की वजह से, उसका जवाब दे। नवाज शरीफ जिस तरह मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दो सवालों के जवाब दे कि ये असासे कैसे बनाए और ये पैसे आप कैसे बाहर लेके गए, इतनी सी बात है। आप तो बजाय जवाब देने के आपने इसमें पूरे इदारों के साथ आपने एक पूरा एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया है जिससे कि आपने एक ऐसे सियासत का आगाज किया है जिससे कि आप न सिर्फ खुद बल्कि बाकी अपोजिशन पार्टी को भी एक बंद गली में ले गए हैं, उनकी सियासत को बंद गली में ले गए हैं। कभी हुआ ऐसे इस मुल्क में? कभी भी नहीं हुआ। देखिए इस मुल्क के जो इदारे हैं, जो बाकियों को तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया, उनको तो आपने मफलूज कर दिया, अपनी मर्जी के अपने रिश्तेदार अपने दोस्त वो लोग उसके ऊपर लगाए जो कि आपकी चोरी में आपकी मानत कर सकें। एक इदारा बच गया था, जुडिशरी बच गई थी। आप तो चाहते थे ना कि जज भी आपको अपनी पसंद के मिलें, और जो इदारा है पाक फौज का वो भी आपके नीचे हो। नीचे इस लिहाज से नहीं, वो तो आईनी तौर पे तो है, लेकिन आप चाहते थे कि चूंकि उनकी
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको फौरन पता चल जाता है कि कौन कितनी करप्शन कर रहा है। हमारा क्यों उनके साथ कोई मसला नहीं है? इसलिए कि हमारा लीडर, हमारी हुकूमत ऑनेस्ट लोगों से भरी पड़ी हुई है। ये बेशक हमारे खिलाफ जो भी बातें करें, लेकिन अवाम जानते हैं कि इमरान खान जैसा लीडर ईमानदार वो इस मुल्क को पहली दफा मिला है। फिर ये बात करते हैं कि जी सुकूत कश्मीर। आप मुझे ये बताएं, इनकी जो अल्फाज का चुनाव है, आप कश्मीरियों को क्या कहना चाहते हैं कि हमने आपको, या दुनिया को क्या कहना चाहते हैं कि हमने आपका जो केस है वो छोड़ दिया है? आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो तकारीर जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में की हैं, कभी किसी लीडर ने ऐसी की थी? जिस मुतसर मुदल्लल और जिस ठोस तरीके से उन्होंने कश्मीर का केस दुनिया के मुल्कों के सामने रखा, कभी आपके लीडर ने वो तो पढ़ भी नहीं सकते थे, उन्होंने तो कभी नाम भी नहीं लिया। इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या उन्होंने कभी गुलभूषण का नाम लिया? नहीं लिया। आप क्या कर रहे हैं? आपको इस मुल्क ने बड़ी वो दी है, तीन दफा आपको वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, आप जो है तो उसी मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं इस वजह से कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके जो केसेस हैं उस पर कोई आपको सहूलत मिल जाए। तो आप इस चक्कर में अंधे हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के अवाम से बदला लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। जुडिशरी आपके किसके साथ बनी है? आपको तो सिर्फ चाहिए वो कयूम था, क्या नाम था उसका, जस्टिस कयूम, उस जैसे आपको जजेस चाहिए जिनको आप अपनी मंशा के मुताबिक आप उनके आपके फैसले हों। आपकी किसी भी आर्मी चीफ के साथ आपका ताल्लुक नहीं बना, अलिफ शुरू से लेकर जंजुआ साहब से लेकर अब तक आपका यही एक काम है कि आप डिस्टेबलाइज करते हैं जमहूरियत को। आप है रिस्पॉन्सिबल, आप ही ने, आप पहले तो ये कि आप खुद प्रोडक्ट हैं, आपकी वजह शोहरत या आप जो इस इक्तदार में आए हैं तो वो आप बेसाखियों पे आए हैं और वो पूरे पाकिस्तान को पता है। अभी आप पाकिस्तान को यानी एक मौसमी उसकी तरह आप जो है तो कहना चाहते हैं कि जी आप बड़े इनकलाबी बन गए, आप बड़े एक स्टेट्समैन हैं। भाई आप पे चोरी का इल्जाम है, आपको किसी सियासी मुखालिफत की वजह से नहीं जेल में डाला गया, आपने जो जुर्म किए हैं, आपने नहीं देखा कि जो अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, कोरिया हो गया, जितने ममालिक हैं उनके जो करप्शन हुए हैं उनको हथकड़ियां लगा के पेश किया गया और वो अंदर हैं। आपने तो इस मुल्क को एक इकोनॉमिकली ऐसी सिचुएशन में ले आए थे जब आप 2018 में, कि आपने तो इस मुल्क की जो करेंसी है उसको बिल्कुल तकरीबन, अगर ये इमरान खान ना करता, वो अगर उसकी साबित कदमी, उसका प्रेशर ना लेना, वो ना होता तो मैं तो उन मुल्कों में रहा हुआ हूँ, वेनेजुएला में मैं रहा हूँ जहाँ पे कि लोग रेडियो में जो है तो पैसे लेके जाते थे एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए। आपने तो इस मुल्क को मुआशी तौर पर बिल्कुल खोखला कर दिया था, इदारों को आपने खोखला किया और आज आप बन गए चैंपियन और एक ऐसा बयानिया शुरू कर दिया है जिसका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस वजूहात पे आपको अंदर किया गया है, जिस जो मुकदमात आप पे बने हैं, जो नैब के चेयरमैन आप ही ने जिसने बनाए थे, आप ही उनका गिला कर रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं करें और आवाम में बेचैनी नहीं फैलाएं। ये हुकूमत बड़े ही मेहनत के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दिन रोज की काविशों की बुनियाद पे इसकी इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई है। इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं, कारोबार दोबारा से शुरू हो गया है। आपके अपने मीडिया के लोग बताते हैं कि जो उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, 15 से 20% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो आप चूंकि आपके ज़रिए अवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो आपको चाहिए कि इन मुजरिमों का
आप जो है तो वो ना करें, इनको इनकी जो असलियत है वो अवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपका एक मुकद्दस पेशा है, और अवाम तक ये बात पहुंचाएं कि ये लोग जो कि आज चैम्पियन बने हुए हैं कि जी हम जम्हूरियत की असली रूह हैं, हम जम्हूरियत लाएंगे। आपको याद होगा 15वीं तरमीन थी गालिबन, जिसमें ये अपने आप को अमीर मोमिनीन डिक्लेयर करना चाहते थे। तो आपकी जो ये आमिराना सोच है, आप तो अपने एमएनएस एमपीएस के साथ महीनों महीनों नहीं मिलते थे, आज आप जम्हूरियत की बात कर रहे हैं। आपके अपने लोग टूट फूट का शिकार हैं, आपकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है। अभी एक ऐसी पार्टी जो कि जिसको के जिसकी वजह शोहरत ही दूसरी है, आज आप जम्हूरियत के दाई बने हुए हैं। तो ऐसी आवाम को आप नहीं कर सकते हैं गुमराह। और जब आप आए, आप अदालतों का सामना करें, आप कानून से बालातर नहीं हैं, आपको कानून के सामने पेश होना होगा और आपको जवाब देने होंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ों की महंगाई है, और आपको इस तनाजर में भी देखना होगा कि ख़ास तौर पे जब ये कोविड हुआ है तो हमारी जितनी भी सप्लाई चेन थी, यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, जो कि बड़े अच्छे अच्छे मुल्कों में एक क्राइसिस हो गया था जिसमें कि आप स्टोर्स में जाएँ तो आपको कुछ मिलता नहीं था। बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो आटा है, चीनी है, घी है, दूध है, सब्ज़ियाँ हैं, यस, सब्जियां जो है तो उसमें कुछ मौसमी हालात एक वजह है। दूसरा ये है कि जो हमारे आटा है तो उसमें तो आपने देखा ही होगा कि बावजूद ऑपोजिशन के और के इस प्रोपेगेंडे को कि पंजाब जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें जो आटा है वही 930-940 रुपए का मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान चूँकि इतनी गंदम अपनी जो ज़रूरत की है वो पैदा नहीं करते, तो उनको भी वो भी डिपेंडेंट हैं। लेकिन सिंध एक ऐसा सूबा है जिसने के अपनी कीमतें, अपनी गंदम रिलीज़ ना करके, आपको याद होगा हमने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो गंदम रिलीज़ नहीं कर रहे और वो छोड़ रहे हैं उसको नवम्बर दिसंबर में, जबकि इस पूरे उसमें और वहीं पर सबसे ज़्यादा महंगी आपको आटा मिलता है 1300-1400। तो ऐसी सूरत हाल में हम समझते हैं कि जो भी इस वक्त हुकूमत स्टेप्स ले रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं ये प्राइसेस के कंट्रोल की, तो हम ये समझते हैं कि यस, ये एक ऐसा एरिया है, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक तो डिवेल्यूएशन की वजह से महंगे हो गए, तेल हो गया, जब बिजली महंगी होती है तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो बिजली क्यों महंगी हुई उसका मैंने आपको एक खाका सा दे दिया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि हम काम कर रहे हैं, और हम यकीन आपको दिलाते हैं कि हमें न तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे और ना हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी और इंशाल्लाह ये चीज़ें कीमतें कम होना शुरू होंगी। और उनकी वापसी के लिए अब तक हुकूमत की सतह पर क्या इकदाम किए गए हैं और मजबूरी तौर पर अभी तक स्टेज क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें अपोजिशन की जाने से की जा रही हैं, मैं हुकूमती वर्जन इस पर जानना चाहूँगी। दूसरी बात ये कि आपने बात की कि चाइना को हम क्या पैगाम दे रहे हैं सी पैक पर बात करके, तो सी पैक ऑर्डिनेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है, 120 दिन भी पूरे हो गए, उसके बाद जो अथॉरिटी की कानूनी हैसियत है उस पर भी बात हो रही है, तो आप बताइए उस पर कानून साजी के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स हो गया था मई में, और अभी बिल जो है तो हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 15 से 20 रोज़ में
इसको हम पास करा लेंगे। अब जाहिर है कि मैं यही उम्मीद करूंगा कि ओपोजिशन हज़्ब रवायत एक ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करेगी जिस तरह वो हमेशा क्रिएट करते आए हैं, चाहे वो फैटफ हो या और वो कवानीन जिसमें कि आवाम की भलाई है, मुल्क की भलाई है, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे और ये जो है तो ये जो कानूनी जो एक सुकम है वो भी दूर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ऑपोजिशन का ये कहना कि पहली बात तो ये कि जो ऑपोजिशन को तो उनकी तो इस मामले पे बात ही नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो तो इसके मरकजी किरदार हैं। अदालत उनके बारे में क्या कह चुकी है, हम अपनी तई पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने जो अदालती अहकाम के मुताबिक उनको वारंट भी पहुंचाए हैं थ्रू ब्रिटिश हाई कमी अपने जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी भी है, और बल्कि उससे रिपोर्ट भी मांगी गई है कि वो हमें पेश करें कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। देखें कई ममालिक के साथ जिसमें बरतानिया एक है, हमारी एक्सट्रेडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है बिकॉज ये वही लोग हैं ना जिनको पता था, इनके असासे वहाँ पर थे, तो इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे कि इनको मालूम था कि उनके असासे उधर हैं, तो ये कैसे एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करेंगे उस मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ या दुबई के साथ और मुल्कों में जहां जहां इनके असासे थे। यही हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी कंप्रोमाइज किया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पोजिशन ले ही नहीं सकते थे क्योंकि इनके अपने असासे उन मुल्कों में थे। तो ये जो कानूनी एक गैप है उसको जाहिर है कि हम अपने तरीके से हम अपना वो भी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने जो लीगल हमारी जो ऑप्शंस हैं वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि कोई एक मुल्क जिसको के ये मालूम हो कि उसके जो 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 अपनी जो रिहाइश है जिस मुल्क में जिसका वो शहरी है तो उसके कानून का एहतराम करना चाहिए। वो शख्स जो है तो यहाँ की अदालतों से कन्विक्ट होकर जमानत पर वहाँ पर गया है तो उनको भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें पाकिस्तान के साथ कि अगर कोई ऐसी शख्सियात वहाँ पे हैं जो कि न सिर्फ इस मुल्क में मतलूब हैं एब्सकॉन्डर हैं उनको उसको वहाँ से भेजे क्योंकि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उसको तो फौरन जहाज़ पे डाल के भेज दिया जाता है, लेकिन ऐसे मुलजमान जो कि बड़े बासर हों उनको जो है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो ये हमने इसको और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी तकरीर की थी यूनाइटेड नेशन में इस बात का भी इजहार उन्होंने किया है वहाँ पे कि वो लोग जो कि गरीब ममालिक से पैसे लेके भाग जाते हैं और ऐसे मुल्कों में वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके बारे में भी आलमी बरादरी को कोई एक वो बनाना लहमल बनाना होगा जिससे कि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए। तो हम तो हर सतह पे लगे हुए हैं लेकिन ये अगर चाहते हैं तो अगर ये जो इतने बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं इनके जो ये आ जाते हैं सुकरात और इनके जितने भी ये जो दरबारी स्पोक्स पर्सन हैं तो ये आके जो ये भाषण देते हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि जी आप इस मसले को ख़त्म क्यों नहीं करते हैं, आप कानून के सामने पेश हों, इसमें कौन सी कोई बड़ी बहस है। ये तो ये पूरी जो बहस क्रिएट इन्होंने की है बयानिया और ये अब लसानियत पे भी ये आ गए हैं कि जाग पंजाब इस किस्म की बातों से ये तो मुल्क के मफाद में नहीं है कि जो हम आहंगी है जो बैन सूबाई हम आहंगी है ये उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये तो इनसे पूछना चाहिए कि जी हमें आप भाषण न दें, आप हमें बताएं कि जी आपने अगर अपने आप को इतना वो समझा हुआ है जम्हूरियत पसंद बनना समझा हुआ है तो जम्हूरियत में तो इंसाफ का बहुत बड़ा एक रोल होता है तो आप आए अदालत में पेश हों फिर जो है तो देखेंगे कि क्या हुआ। देखें ये हर चीज़ में शामिल रहे हैं, इनके चीफ सेक्रेटरीज जब मीटिंग होती है हर हफ्ते उसमें ये बैठे होते हैं और इनकी मंशा के मुताबिक इनकी दानिस्त में
इनकी इंफॉर्मेशन में है कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कोई इमरान खान साहब कुछ अपने लिए तो जाती जागीर तो बना नहीं रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन उठे और उसके कंस्ट्रक्शन के साथ जो मुंसलिक इंडस्ट्रीज हैं वो भी चलें, तो उसमें तो इनको अच्छी तरह खबर है। लेकिन इनका प्रॉब्लम यही, तो हमने कोविड में भी देखा कि अंदर आके बिल्कुल एग्री कर जाते हैं और जब बाहर जाते हैं तो सियासत करते हैं, तो एक तो इनको बिल्कुल पता था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी ये जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, देखें पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना किसी भी हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। दूसरी बात ये कि वो लोग जो कि कानून को मतलूब हैं, जिन पे मुकदमे हैं, जिन्होंने के करप्शन की है, जिन्होंने के डाके डाले हैं, उनको तो हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो आके जो है तो अपनी एक सियासी एक्टिविटी करें। सियासी एक्टिविटी के पीछे वो नहीं छुप सकते। अगर कानून समझता है और अदालतें समझती हैं, उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसलिए कि उन पे कोई सियासी मुकदमात नहीं है, उन पे करप्शन के वो हैं, इल्ज़ामात हैं, और कईयों पे तो साबित भी हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि शायद मौजूदा हुकूमत तारीख की ऐसी खुशकिस्मत हुकूमत है कि जिसको इतनी कन्विक्टेड अपोजिशन मिली है, लेकिन आप लोग खुद ही आवाम को आज तक रिलीफ जो चाह रहे थे, जो आप वादा करते हैं, वो नहीं दे सकी, तो फिर एक ही हाथ रह जाता अपोजिशन के हाथ में, महंगाई का और जो जिस तरह की सूरत हाल है, तो कब तक आप इस तरह तवज्जो देंगे ताकि अपोजिशन के पास कोई चीज रह ना जाए कि वो सड़कों पर क्या चीज लेके निकले। देखें, जहाँ तक कि अपोजिशन का ताल्लुक है, अगर उनके एक हाथ पे आप अगर चांद और सूरज भी रख देना, तब भी उनकी जो बका है और उनको पता है कि उनकी बका इसी में है कि वो सियासत के पीछे छुपें, वो ऐसे माहौल पैदा करें जिससे कि लोगों की तवज्जो दूसरी जानिब हो जाए और जो बुनियादी उनकी जो करप्शन के केसेस हैं उस पे कोई उनको छूट मिल जाए। अब जहाँ तक के इसका ताल्लुक है कि हुकूमत ने, जैसे आप जानते हैं, देखें जी हुकूमत जितनी सब्सिडीज देती है वो उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जहाँ वो जब आपके वसाइल बड़े महदूद हों, जब आपकी मुश्किलात इतने हों, आप पे कर्जे इतने हों, तो आपके पास गुंजाइश बहुत कम रहती है। हमारी क्या, हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम, मुझे हमें पता है कि हमारा अल्लाह ताला के वजह से और कोई मसला नहीं है, हम चीज़ों को बिल्कुल हमने कंट्रोल भी किया है, हमने उसको बेहतर भी किया है। एक महंगाई है जिसमें कि हम दिन रात अब कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरीके से जो असेंशियल आइटम्स हैं, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था पिछले हफ्ते की, कि जो असेंशियल आइटम्स हैं उसके लिए हम क्या हिकमत अमली तरतीब करें कि कम से कम जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आवाम को सस्ती मिलें। देखें बिल्कुल
जो अदवायात का जहाँ तक के ताल्लुक है और ये जो रिसेंट कुछ अदवायात जिसमें आपने लिया कि कुछ अदवायात हैं जिसकी कीमतें बड़ी हैं, उसका बैकग्राउंड हमने शायद आपको यहाँ पे मैंने और मिनिस्टर हेल्थ ने आके बताया भी था कि कुछ ऐसी अदवायात थी जो कि बनना बंद हो गई थी, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो ये इसको उनकी कॉस्ट भी इतनी रिकवर होती थी तो उन्होंने उसको बनाना छोड़ दिया था। नतीजतन क्या था कि या तो इम्पोर्ट होती थी जो कि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, और या ये थी कि ऐसी कंपनियां बना रही थी जिसमें कि उनका कोई पता नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या उसमें जो फार्मूलाज हैं वो ठीक हैं नहीं हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए और चीज़ और अदवायात चूँकि आपको पता है ये सेहत से मुतालिका है तो ऐसी उनके लिए प्राइसेस इंक्रीज़ की। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि ये ऐसे ही है कि जो आप कह रही हैं ना कि जो 15 रुपये की थी वो 250 की हो गई है, यही दवाई जो है तो आप 300-400 रुपये की ले रहे थे क्योंकि वो या इम्पोर्टेड थी या आप दूसरे तरीक़ों से ले रहे थे, तो उस लिहाज से तो कीमतें कम हुई। उन अदवायात को हमने उनके लिए जो बनाने वाले हैं उनके लिए हमने एक्सेप्टेबल लेवल पे ले गए कि वो बना सकें कि कम अज़ कम इस मुल्क में बने कि ज़र मुबादला भी बचे, ब्लैक मनी वो जो है गलत तरीके से जो लाते हैं स्मगलिंग के थ्रू लाते हैं तो इसको रोका जाए। तो इसलिए ये बज़ाहिर तो ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इसके अलावा अब मैं देखें मैं आप हम आप कहते होंगे कि आप बार बार उस हुकूमत की बात करते हैं, पिछली हुकूमतों की बात करते हैं। देखें ये तो एक फैक्ट है ना कि एक बंदा जो कि हर साल फेल आता है वो ना उसको आपने स्कूल भेजा ना कुछ किया ना कुछ किया, फिर आप जो है जब वो 20 साल का हो गया है 30 साल का हो गया आप कह रहे हैं इसको नौकरी नहीं मिलती है और वो बनना भी डिप्टी कमिश्नर है। अब आप मुझे बताएं कि हम नहीं कहेंगे भाई इसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो हम यही कहते हैं कि इन्होंने जो खेल खेला इस मुल्क के साथ, इदारे हैं आप देखें बिल्कुल मफूज हुए हुए हैं, कोई चीज़ काम नहीं करती है, बिजली का सेक्टर है तो गैस का सेक्टर है तो जो एयरलाइन है तो स्टील मिल है तो और जितनी भी आप देख लें ये करते क्या रहे हैं हमें तो ये समझ नहीं आती। तो इसलिए ये बताना फ़र्ज है कि कम अज़ कम ये आके जो बैठ के इधर बैठ के तो जो तकरीर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इनसे पूछे तो सही ना कि जी आपकी 30-30 साल हुकूमत रही है आपने क्या किया कि आज जो है तो हमारे स्कूल ना हेल्थ ना हमारी एजुकेशन हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इदारे हैं ये सारे तबाह बर्बाद हैं, तो आप लोग करते क्या रहे हैं, आपने क्या किया है लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, आपने इस मुल्क को एक आगे ले जाने के लिए क्या किया है। उस दिन तो ये कह रहे थे कि हम इसको एशिया का टाइगर बनाएंगे, एशिया का टाइगर ख्वाब में बन जाएगा, आपने अमली तौर पे क्या किया है, सिफर। जो लोग आते हैं इधर बाकी ये जो अपोजिशन के खास तौर पे PML नून के, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए कि इन्होंने अपने इनसे पूछना चाहिए आपको कि जी आपने 30-35 साल की हुकूमत में आपने क्या किया इस मुल्क के लिए कि आज सब कुछ कुछ हर चीज डिसफंक्शनल है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इधर कहने वाला था कि ये इधर तो शाह क्या कर रहा है, हाँ।